नमस्कार देवियों और सज्जनों और मेरे प्यारे प्यारे मासूम मोमिनों। तो आज फिर पेश है मर्द मुजाहिद आमिर अक साहब का एक और वीडियो जिसको हम रिव्यू करने वाले हैं। तो ये इनका क्वेश्चन आंसर सेशन का एक वीडियो है जिसमें एक मोमिन आया और उसने एक सवाल पूछ लिया। तो सवाल काफी नॉर्मल था लेकिन आमिर अक साहब का जवाब आपको जैसा मालूम है बहुत ज्यादा ही अब नॉर्मल था। तो आज हम उसको रिव्यू करने वाले हैं। मेरे साथ में दो गेस्ट और है, एक हमारी रब्बानी दीदी और एक हमारे अमित भाई। तो स्वागत है आप दोनों का। जी जी करना भाई, थैंक यू। थैंक यू भाई। तो चलो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ अमित भाई, आपको देख के काफी मजा आने वाला है। जी, मैं स्क्रीन शेयर कर दिया, आप ले लेता हूँ। जी चलाएं आप वीडियो चलाएं। थैंक यू। सलाम, ठीक है। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। अबू बैदा भाई हमारे साथ है, स्टेज छोड़ते जाएं जो भाई बात कर लेना ताकि जगह बनती जाए। अबू बैदा भाई, अस्सलाम वालेकुम। और सलाम जी प्यारे भाई। ये आप सुनन अबू दाऊद खोलिए 2147। वजह क्यों खोलूं? अब ये लोग करते हैं ना, मेरा सवाल तो नहीं ना है, शॉर्ट्स में आया था इनका, जो ये लोग शॉर्ट्स बनाते हैं, ये जो जितने भी मुर्तद है तो आप ऐसे खोले ना जरा। हाँ फलाना खोले ना। अरे तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ना ज्यादा। हाँ तो बताए ना क्या हदीस, खोलूं क्या मैं? अब बताए आप क्या है, जब मुझे लगेगा खोलने है तो मैं खोल लूंगा। सुनन अबू दाऊद 2147। अच्छा क्या है, पढ़िए मैं पढ़ूं? तो पढ़ना भाई, टाइम बचा रहे हो या टाइम लगा रहे हो, पढ़ो ना भाई। क्या अच्छा, ये मोमिन एक सेकंड, रुकिएगा। अ मैन विल नॉट बी आस्क्ड एज़ टू व्हाई ही बीट हिज। हां अच्छा, ये मोमिन है और मोमिन से भी इस तरह की बात कर रहे हैं लोग। हाँ बिल्कुल, इनको सवाल पसंद नहीं बेसिकली। अमित भाई सवाल को भी पूछता है, इनको करंट लगता है जोरदार। क्या हां वही मतलब, जब आके बंदा गुस्साता है, जब बंदा आके पूछा कि ये हदीस खोलो, ये तो बोलता है मैं क्यों खोलूं। अरे भाई तुम इस्लाम पे भी तो जवाब देने बैठे हो कि सिर्फ सनातन को गालियां देने बैठे हो? मोमिन आके तुमसे करने बैठा है। जी मोमिन आके तुमसे सवाल कर रहा है, तुमको जवाब देते नहीं बन रहा तो बोल रहे हो कि मैं क्यों खोलूं। बाद में ये बेचारा हदीस दे दिया तो बोल रहा है मैं नहीं पढ़ूंगा, तू पढ़। अजीब हाल इनका। जब तक जलेबी बनाएगा ना बैक स्टेज बैठ के अमित भाई, समझा करो। हाँ तब तक, हाँ इसने नंबर तो ले लिया है अमित भाई, नंबर इसने ले लिया है हदीस का और ओपन नहीं किया, पढ़ रहा होगा उसको पढ़ के और उसके बाद में अपना वो दिमाग के अंदर माइंड मेकअप कर रहा होगा कि हाँ क्या जवाब देना है इसका। तो ये टाइम वेस्ट कर रहा है तो कुल मिला के। चलो मैं आगे चलाता हूँ। ठीक है, क्या हुआ इसमें? शाबाश। मैंने कहा था वीडियो होने वाला है बहुत जबरदस्त भाई। मर्द से औरत पूछ भी नहीं सकती कि भाई उसको क्यों पिटा जा रहा है। शाबाश। चलो अभी और सुनते हैं। तो इसमें ये लोग बोलते हैं कि मारने से कोई सवाल नहीं होगा, तो गलत बात है। ठीक है सही है, क्यों गलत बात है? ये एक और मांगी, क्यों गलत बात है, मतलब मारना क्यों गलत है? अरे यार अमीर पिटता होगा अपनी दीदी को। हाँ मारता ही होगा, दिन में तीन बार। सोच दिख रही है ना सामने, पर मेरे को एक चीज समझ में, मैं है ना ऐसे रैंडम चला रहा था यूट्यूब और मेरा क्लिक करना हुआ और इसका चैनल दिखा मुझे और उसके अंदर मुझे यही चीज दिखी सबसे पहले। मैंने कहा यार ये तो जबरदस्त चीज है। अरे थड़ाई भाई यही बात जिस दिन इनको समझ में आ गई ना कि औरतों को मारना या औरतों के साथ ऐसी हरकतें कर रहा ये गलत बात है, उस दिन ये ईमान में नहीं रहेंगे। अब उसको मोमिन को समझ में आ रही है कि ये चीज गलत है। आप तो चलो आगे, फिर लास्ट में मैं एक वीडियो भी लेके आऊंगा इस पे। चलो ठीक है, गलत बात है, मतलब ऐसे तो जुल्म होने से सवाल होना चाहिए ना उस पे। नहीं क्यों, जुल्म होगा तो फिर पूछा जाएगा। ये वहां लिखा हुआ है कि वो अगर जुल्म कर रहा है तो भी नहीं पूछा जाएगा। मारना जुल्म है ये का साबित करना आपने।
अरे यार अमित भाई, मैं इसको दो दो सेकंड के अंदर रोकना पड़ेगा, वीडियो 2 मिनट का भी नहीं है, लेकिन मतलब ये कितनी मतलब क्या बोलते हैं, मजा किया भी ये चीज, और मतलब अफसोस करने लायक भी है कि मतलब अब मारना जुल्म नहीं है किसी को, तो और क्या जुल्म होता है फिर। सही बात अब है। इससे अब इनको ये भी पता नहीं चल रहा है कि अपनी बीवी को नहीं मारना चाहिए, ये गलत बात है। बिल्कुल। तो इनको ये चीज भी कुरान और हदीस से पढ़ के और सोचनी पड़ती है, क्योंकि दीन में अक्ल का निकल तो वही नहीं। यार कितने अपंग लोग हैं ये सही में। जाहिल है, जाहिल। हाँ चलाता हूँ मैं आगे, इस तो रोकना ही पड़ जाएगा इसको पूरा, मैं हाँ इसको हाँ चलाता हूँ इस बार, मैं चाह रहा हूँ ये बार थोड़ा लंबा चल जाए वीडियो। हाँ चलो चलो। अगर मारना जुल्म है तो पुलिस पकड़ने के लिए मारती है, जज फाइन करता है, इंटरोगेशन की जाती है, फिजिकल इंटरोगेशन की जाती है, ठीक मतलब है। वाइफ अगर कुछ गलत करे तब मार सकते। ऑब्वियसली अगर उसकी भी कंडीशन है, मेरा एक क्लिप पड़ा हुआ है आबादे हक ऑफिशियल के ऊपर, बीटिंग वाइफ, बीटिंग ऑफ वाइफ एक्सप्लेन्ड, ठीक है, अ रेसिपी ऑफ अ हेल्दी फैमिली, आबादे हक ऑफिशियल पे क्लिप पड़ा है, उसको देख लें, उसमें मैंने पूरी डिटेल के साथ इस चीज को एक्सप्लेन किया एक लेडी को, और वो लेडी कन्विंस हो गई थी। सही में। अब ये रेसिपी ऑफ हेल्दी फैमिली बीटिंग वाइफ, मतलब अगर हेल्दी फैमिली चाहिए तो अपनी बीवी को मारो। अरे और यार क्या वो मतलब गजब एक ये बता रहा है कि एक लड़की इससे मुतासिर होके गई है इसकी बात सुन के। शाबाश। बिल्कुल। फिर नबी की बात तो सही है कि औरतों की अक्ल आधी होती है, वाकई में दीनदार औरतों की अक्ल आधी होती है, वो ईमान चौथाई वाली होती निकल है। गई उसकी, तो ईमान वाली चौथाई अक्ल। यार क्या गजब है यार सही में। ये मोमिन लोगों की क्वेश्चन आंसर सेशन देखने चाहिए अमित भाई, अपन कभी नहीं देखते, मिस करते हैं, ये सवाल ऐसे ऐसे लेके आते हैं और इनके जवाब और ज्यादा जोरदार होता है मतलब। ठीक तो है, ये लोग समझते ही नहीं है, कोई ऐसा जवाब दीजिए ना जो समझ जाए ये लोग, पागल लोग। वो समझ आ जाएगा वो क्लिप, आप नहीं समझ रहे, वो समझ जाएंगे, उनको पता है, इसीलिए मैं तो तो वो नहीं मानी आते ये नहीं सवाल जाए, लेके। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, मैं तो समझता हूँ, ये लोग नहीं समझते। समझ गए क्या? हाँ उनका इतराज रखे आप। हाँ वो ये ना कहें कि वो नहीं समझते, अब उनको समझाना क्या, तो ठेका मेरे पास नहीं है, आपको जो चीज समझ नहीं आई वो रखें। हाँ बताएं। मतलब अगर गलत करे तो मार सकते हैं। गलत करे और उसकी लिमिट मैंने वो क्लिप में बता दिया क्या है, जब वो ये तो फांसी और यानी चीटिंग के हो अंदर गया जा रही हो, जिना, फांसी और ये यानी तो में पड़ रही जिना है, ठीक है, जिना कर रही है या इस तरह का चीटिंग। मामला कर रही है कि जो चीटिंग है, एक्स्ट्रा मैरिटल कोई इशू है, बाहर कहीं चक्कर चल रहा है, ये वो चीजें चल रही हैं, और वो भी सारा प्रोसीजर है समझाने के बाद, तो अभी ये भी आउट अथॉरिटी ऑफ दी गई है। कॉन्टेक्स्ट उठा के बैठा दिया है। हाँ तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही लेते हैं, और की तरह इतराज बनता कैसे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बनता है ना। अमित भाई क्या ये वाकई में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है क्या, मतलब बिल्कुल भी इसमें नहीं। कुछ अरे है? कहाँ है, इसमें कॉन्टेक्स्ट की कोई बात ही नहीं है भाई। वाइफ को पीटना नबी ने सीधा सीधा बोला है कि भाई औरत पूछ भी नहीं सकती कि उसको क्यों पीटा जा रहा है। अब इसके बाद में क्या कॉन्टेक्स्ट और क्या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रह गया इसमें। अरे ये भी तो है ना, सिर्फ ये तो बोल रहा है ऐसा कर रही है, तो कुरान में तो सीधा सीधा लिखा है कि आपको अगर अंदेशा है तो, बिल्कुल अंदेशा अंदेशा। है तो वहां पे करने की बात ही नहीं है, ये अपनी मर्जी से इंटरप्रेट कर रहा है इसको, वहां तो शक की बात है, अगर शक है आपको तो भी आप मार सकते हो अपनी बीवी को, तो उसका प्रोसीजर बिल्कुल। है कि उसको कैसे मार, उसका प्रोसीजर है। शक नहीं, हक है, हक है, हक है, बोलो। हाँ और अगर वो वाकई में जिना कर रही है तो उसके लिए तो रजम की सजा है, किसको बेवकूफ बिल्कुल। बना रहा है, अमीरक शक के लिए मारने की सजा है और जिन्ना के लिए तो रजम की सजा है, उसको गले तक जमीन के अंदर गाड़ के और पत्थरों से मारना है। बिल्कुल। 100 कोड़े मारो या फिर रजम करो। रजम करो और बिल्कुल। वही एक चीज ये भी है कि अगर आदमी गलत करे, औरत को अंदेशा है, जा औरत के सामने करके ला रहा है, उसको नहीं पसंद है ना लोंडीबाजी ये सब, तो औरत वो चीज नहीं कर सकती है ना जो आदमी को हक दिया है, हकूक दिया है। वो हकूक क्यों नहीं दिया अल्लाह ने इसको, नहीं दिया, बिल्कुल नहीं तो फिर दिया। कहाँ इक्वालिटी है इनकी। आमिर हाँ इक्वलिटी तो छोड़ दो, बेकार ये है। तो बेसिक राइट भी नहीं है, इक्वलिटी तो बेसिक भी बहुत नहीं दूर है। की बात हो गई, बेसिक राइट भी तो नहीं है ना। वो उसका पति है, वो अगर शादी करके आ रहा है तो वो पूछ भी नहीं सकती कि क्यों की तूने दूसरी शादी या तीसरी या वो उसको चौथी, बिना बोले कर सकता है और वो बोल नहीं सकती बिल्कुल। कुछ भी। उसको अल्लाह ने बोला तुमको सबर करना है बस, इनल्लाह मा साबरीन, बस वही बात। और यही बात अगर आदमी को बोल देते तो आदमी की मर्दानगी खत्म हो जाएगी। और एग्जैक्टली मर्दानगी इस्लाम में यही है कि आप औरतों को मारो
लूंडियां बनाओ, बिना बताए लोगों पे जाके जंग करो, बस यही मर्दानगी है इनके अंदर, और कोई मर्दानगी नहीं है। सही बात है। तो अमित भाई अब इसको मैं, चलो अपन इसको और देख लेते हैं आगे थोड़ा सा, फिर कोई एक रेफरेंस दिखा के अपन कंप्लीट कर लो, इसके बाद में मैं दो रेफरेंस लेके आता हूँ, कुरान का 434 है और ये अपना सही अल बुखारी की 5825 है। ठीक है, हाँ ये तो मैं जानता हूँ इनका तरीका। हाँ तो वो पूरी एक चीज जैसे आपने पकड़ ली, अब आप पूरी पिक्चर देखेंगे तो वो ये है। अब क्यों रोका गया? आपका सवाल ये है कि अगर कोई वाइफ बीटिंग कर रहा है तो रोकने का क्यों कहा गया कि नहीं रोकना? उसके पीछे रीजन है, पीछे रीजन ये है कि एक अथॉरिटी स्टेट ने दिया है, इसको मैंने एक्सप्लेन किया। होता ये है कि जब आप किसी फैमिली के अंदर इन्वॉल्व होते हैं ना, तो आपको नहीं पता कि वो सिचुएशन क्या है, आप अच्छी अपनी तरफ से अच्छे बन रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर दो भाई आपस में झगड़ रहे हैं, आप अपनी तरफ से इन्वॉल्व होते हो, मल्लेदार हो, आप इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हो, वो आपस में लड़ना छोड़ के आपके कान सुझा देंगे। आपने देखा कभी? इसकी मिसाल दूं आपको प्रैक्टिकली, मियां बीवी झगड़ रहे होते हैं ना, भाई एक बार रोकना, इसकी अम्मी रख के लगता है ऐसे टांगे सुझाते थे लोग बचपन से। लेकिन अमित भाई यहाँ बात ये है ना, दो भाई जो आपस में लड़ रहे हैं वो दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, यहाँ एक बंदे को मारने का हुक्म ही नहीं है भाई, औरत को कहाँ से वो करेगी रिटेलिएशन? अच्छा, रिटेलिएशन का भी हुक्म नहीं है, और सब जो पड़ोसी, पड़ोसी का क्या फर्ज होता है कि अगर दो मियां बीवी लड़ रहे हैं तो जाके उनको ये तो बोल सकता है एटलीस्ट कि यार तुम शांति से बात करो, बैठ के और बातचीत करके मामला सुलझाओ। तो उसको ऑर्डर है कि नहीं तुमको नहीं जाना है बीच में, पति मार रहा है पत्नी को, मारने दो उसको, गजब। और कोई जाके छुड़ा भी ना, कोई भी नहीं छुड़ाएगा, छुड़ाना नहीं है, गलत है, वो ऑर्डर है, दूसरे के मसले में टांग नहीं अड़ानी है, सीधा सीधा मियां बीवी मारे मारते रहो। रेप का भी वही केस है ना भाई, रेप हो रहा है, चार गवाह देखेंगे लेकिन उसको रेप को रोकेंगे नहीं, बाद में वो गवाही देने में आएंगे। हाँ, कजा भी कानून है जी, ठीक है। मियां बीवी झगड़ रहे होते हैं तो एक बेटा होता है जो 15-16 साल का होता है, थोड़ा सर कद काठ निकालता है, वो बाप को कुछ करने के लिए आता है ना तो माँ उसको चांटा मारती है, कभी देखा ऐसा? अरे शाबाश, मेरे साथ भी हुआ। हाँ तो बस फिर समझ जो, जब तुम्हें नहीं बर्दाश्त कर रहे वो मियां बीवी, वो बाहर के आदमी को कैसे बर्दाश्त करेंगे कि वो आके बीच में पड़े। हाँ, जब माँ बेटे को बर्दाश्त नहीं कर रही कि वो उसके खामन की तरफ हाथ भी उठाए, हालांकि बाप है, तो बाहर के आदमी को कैसे बर्दाश्त करेगी? सो इनका ये जो कह रहे हैं ना जी, अबे हम ये समझते क्यों नहीं, उनको छोड़ो, वो तो गोबर खाते हैं, आप तो खाना खाते हो ना, आपको समझ आएगी, सिंपल। ठीक है मेरा भाई, के पीछे बजाय पूरा प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम ने कैसे एक मिनट पूरा एक सिस्टम रखा है उस प्रोसीजर को लेकर। नबी का हगना उतना खाने वाले दूसरों को गोबर खाने वाला बताएंगे? वाह भाई, अरे दीदी मैं फिर भी चलो मैं मान लेता हूँ कि बाकी सब गोबर खाते हैं, ये समझदार है, लेकिन अब क्या बोलूं मैं, बेवकूफी आता है। गोबर खाने वाले औरतों की इज्जत करते हैं, उनको बराबर का अधिकार सब देते हैं, तो तुमसे अच्छे गोबर खाने वाले हैं भाई, नहीं तो तुम भी गोबर खाना शुरू कर दो। हाँ, थोड़ा दिमाग आएगा अरे क्या बोलेंगे इनको यार, इसको मेरे सामने कोई लाए मैं इसका मुंह सुझा दूं, मार मार के बताऊं इसको। चलो मैं आगे चलाता हूँ, खत्म होने वाला है, इसको लेके चलते हैं। एक और बस ये टाइम हो गया जाने, टाइम हो गया। अरे अपना एक और जाने मन, बहुत शुक्रिया अहदुन अहद भाई हमारे साथ है जी मेरे प्यारे। अच्छा हो गया कंप्लीट, मतलब ये इतना जल्दी, कितनी जल्दी लगी हुई थी इसको भगाने की 5 मिनट का टाइमर लगा रखा है, उसको भगा दिया, और ना उसका सवाल ढंग से लिया, और एक वीडियो बनाया हुआ है वहां पे मैंने सब एक्सप्लेन किया है, उस वीडियो का भी ऑपरेशन कर देंगे आमिर भाई, क्या दिक्कत है, पता है आपने हगा ही होगा वहां पे। अच्छा मैं अभी आपको कुरान की आयत दिखा देता हूँ, वाइफ को पीटने वाली जो है, अच्छा स्क्रीन तो वहां से आएगी ना, सूरह अल-निसा की आयत नंबर 34 है, ये स्क्रीन पे रही आपके, जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है,
अब ये तो हालांकि हमको अरबिक पढ़नी नहीं आती, इसके लिए हम हिंदी में ही बता रहे हैं आपको। पुरुषों के लिए, पुरुष स्त्रियों के लिए संरक्षक है, इस कारण अल्लाह ने उनमें से कुछ पे अपनी फजीलत दी है, मतलब मर्द को औरत से एक दर्जा ऊपर दिया है, तथा इस कारण पुरुषों ने अपना धन खर्च किया, अतः अच्छी औरतें आज्ञाकारी होती है तथा अपने पतियों की अनुपस्थिति में अल्लाह के संरक्षण में उनके अधिकारों की रक्षा करती है। फिर तुम्हें जिन औरतों की अवज्ञा का डर हो, अवज्ञा कर रही है नहीं कर रही वो नहीं है, जो जिस औरत से मतलब सिर्फ इतना डर हो कि वो तुम्हारी नाफरमानी कर सकती है, अवज्ञा कर सकती है, उसको समझाओ और सोने के स्थानों में उनसे अलग रहो तथा उन्हें मारो। इसमें ये जो डंडी मारी इसके अंदर तो है जिना की बात भी नहीं आई अमित भाई, इसके अंदर तो जिना का शब्द ही नहीं है कहीं, इसमें तो अवज्ञा हाँ, मतलब नाफरमानी की जिना बात ने कुछ जिना का तो भाई बनता ही नहीं ना, जिना वही के लिए नहीं मारने की पति थोड़ी मारेगा, जिना के अगर इल्जाम लग गया तो फिर तो भाई मोहल्ले में कोड़े मारे जाएंगे। है। रजम बिल्कुल 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 सजब की उनको सजा है समझाओ इसमें। सुने तथा मारो, फिर यदि तुम्हारी बात मान ले तो उनके विरुद्ध कोई रास्ता न ढूंढो, निसंदेह अल्लाह सर्वोच्च। अच्छा ये लाइन और जो लास्ट में, निसंदेह अल्लाह सर्वोच्च तथा सबसे बड़ा है। अरे भाई इसमें क्या बहुत बड़ा है वाली बात ये है। बहुत बड़ा अल्लाह, वाकई में बहुत बड़ा है, मैं मान गया आज तो। अब ये दूसरी जो हदीस थी जो नबी के टाइम दौर पे चल रही है, ये आपके सामने है, इसमें यही मैं पढ़ वाली। देता हूँ। हाँ 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 वही ये रिफा डाइवोर्स्ड हिज वाइफ वेयर अपॉन अब्दुल रहमान बिन अल जुबैर अल कुरैजी मैरिड हर। रिफा ने गलती से अपनी बीवी को तलाक दे दिया था और उनके दिमाग में भी यही था कि भाई ये बुढ़ा है अब्दुल रहमान, पहले इससे निकाह कर ले और बाद में वापिस ये तेरे को तलाक देगा और तू मेरे में आ जाना। तो हाँ ये अल्लाह इनका बकायदा मुआहिदा हुआ था। उसके बाद में हाँ आयशा सेड द लेडी केम वेयरिंग ए ग्रीन वेल, वो ये रिफा की जो बीबी थी जो अब्दुल रहमान से निकाह की, वो एक दिन आई नबी के घर पे, जहाँ आयशा ने उसको देखा कि वो ग्रीन कपड़ा पहनी हुई है। एंड कंपेनियन टू हर आयशा ऑफ हर हस्बैंड एंड शोड हर द ग्रीन स्पॉट्स ऑन द स्किन कॉज्ड बाय बीटिंग। उसको इतना मारा कि उसकी चमड़ी हरी हो गई। इट वॉज द हैबिट ऑफ लेडीज टू सपोर्ट ईच अदर, सो वेन अल्लाह मैसेंजर केम, फिर नबी आया और आयशा ने बोला कि आई हैव नॉट सीन एनी वुमन सफरिंग एज मच एज द बिलीविंग वुमन। मैंने कोई जैसा मतलब मुशरिक और काफिर औरतों को ऐसा नहीं देखा है जितना ये सफर हम मुसलमान औरतें कर रहे हैं। लुक एट सही बात लुक हर स्क्रीन इज ग्रीनर देन हर क्लोथ, उसकी चमड़ी जो है मार खा खा के उसके कपड़ों से ज्यादा हरी हो चुकी है। तो भाई कहाँ ये मारने का नहीं पूछना, और ये जो कहानी कर रहा था ये अमीर हक का कहाँ बात है। व्हेन अब्दुल रहमान हर्ड दिस हिज वाइफ हैज गोन टू प्रॉफिट ही केम विद हिज टू सन फ्रॉम अनदर वाइफ, शी सेड बाय अल्लाह आई हैव डन नो रॉन्ग टू हिम बट ही इज इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट है मतलब नपुंसक है, एंड एज यूजलेस टू मी एज दिस, मेरे कोई काम का नहीं है। होल्डिंग एंड शोइंग द फ्रिंज ऑफ हर गारमेंट अब्दुल रहमान सेड बाय अल्लाह मैसेंजर शी टोल्ड लाई। चलो आगे वो दूसरी बातें आ जाएगी, मतलब अल्लाह के मैसेंजर के सामने मारा जा रहा है और अल्लाह का हाँ मैसेंजर कुछ नहीं बोल रहा है कि भाई इतनी बुरी तरह से क्यों मारा है। सही बात है। हाँ एक एक वो भी एक हदीस आती है कि अपनी गुलाम अपनी बीवियों को ऐसे ना मारो जैसे तुम अपनी गुलाम लौंडियों को मारते हो, तो उसके अंदर भी मारने से तो बिल्कुल मना नहीं किया जा रहा है, हाँ, ऐसे मत ये कहा मारो जा रहा है जैसे कि गुलाम ऐसे मत लड़कियों को मारते हो, क्योंकि तुमको उनके साथ में रात में जिमा भी करना है, सेक्स भी करना है। मार। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब एक वो क्या बोलते हैं पेपर वेट से ज्यादा तो कोई औकात नहीं है औरतों को इस्लाम के अंदर अच्छा वो मैं साथ। देख रहा था वो वीडियो ना, वो एक्चुअली ट्विटर से डिलीट हो गया है, अब नहीं मिल रहा। उसमें कोई क्या दिक्कत था नहीं कि अमित भाई। ससरा सिर्फ अपनी बहू को इसके लिए मार रहा है कि उसने हाँ खाने हाँ वो में खाने थोड़ा नमक में ज्यादा लेट है कर कि दिया क्या हो हो जाता है। हाँ थोड़ा हाँ, लेट और बच्चे जा रहे हैं सब और वो और मारे जा उसके रहा है। औरत के तीनों बच्चे उसको अपने दादा से बचा रहे हैं, लेकिन वो दादा उनको साइड में करके और पीट रहा है, उसको और बेलन से पीट मार रहा रहा है। है हाँ, और सासू खड़ी है पास में वो, लेकिन छुड़ा भी नहीं रही बैठी है है वो, ज्यादा। उसको कोई हाँ वो मतलब नहीं खड़ी है। है, उसको कोई मतलब नहीं। गजब है गजब है इस्लाम भाई, गजब एकदम गजब गजब का दीन है भाई तुम्हारा दीन, तुमको गंदा है भाई, मुबारक। बहुत गंदा है। गंदा है पर धंधा है। ये देखो डिफेंड करने वाले अमीर अक जैसे भी बैठे हैं ना, जिनको मोमिनों का जवाब ही नहीं देना, सीधा भगा दिया। सही
ना मोमिनों को जवाब देना है ना हिंदुओं को जवाब देना है, किसी को जवाब नहीं देना, खुद की जलेबियां बनानी है, सिर्फ गालियां देनी है बैठ के। हाँ क्या ये क्या लिफा करेंगे अमित भाई, जो लॉजिकल होंगे सोचने वाले होंगे वो सोचेंगे, बाकी जिनको कीचड़ के अंदर पड़े रहना है वो सुअरों की तरह पड़े रहेंगे। लॉजिकल और सोचने वाले भी कहा है, देखो ना जो लड़का आया सवाल करने के लिए इसके पास में, वो बोल रहा है मैं मोमिन हूँ, मैं तो समझ गया, लेकिन आप उनको मुर्तदों को जवाब दो इसके बारे में, तो ये उसको रफा दफा कर रहा, नहीं नहीं हमने जवाब दे दिया, हो गया जाओ जाओ जाओ, जाओ तुम जाओ। नहीं वो ये बोल रहा है कि ऐसे सवाल लेके क्यों नहीं आते हमारे पास में, इसलिए नहीं आते क्योंकि उनको समझ में आ गया है। अरे भाई हम सवाल इसलिए नहीं लेके आते, हमको यूं लगता है कोई ढंग का सवाल पूछा तुमसे, तो तुम ये ऐसे सवालों के अंदर भी अग देते हो, तो अब क्या ही किया जाए। तो चलो अमित भाई फिर करते हैं उसको वाइंड अप करते हैं। बिल्कुल जी जी हाँ, तो नमस्ते सभी को, ये थे हमारे मर्दे मुजाहिद आमिर हक, और आप सबको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम।